हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अकाउंटेंसी क्लास 12th वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बताया गया है व्हाट इज पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12th यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं किसी भी चीज को पहचानने का एक माध्यम, पहचानने का एक तरीका। यानी विशेषताओं को हम देख करके पहचान सकते हैं कि जो बिजनेस हो रही है वो बिजनेस पार्टनरशिप में हो रही है या किसी और तरीके की बिजनेस है। ठीक है, विशेषताएं यानी करैक्टरिस्टिक्स का और बहुत सारा नाम है। जैसे विशेषता को हम लक्षण बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं, प्रकृति बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश से बोलें तो करैक्टरिस्टिक्स, मेरिट, सिम्टम्स, एलिमेंट्स, नेचर। ठीक है, इस तरह से जो है बहुत सारा नाम है करैक्टरिस्टिक्स का यानी विशेषता का। ठीक है, तो विशेषताओं से हम क्या देखते हैं? विशेषता जो है एक पहचानने का तरीका है, पहचानने का माध्यम है। विशेषताओं के माध्यम से जो है हम लोग किसी भी चीज को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्टनरशिप में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर वन, टू और मोर पर्संस, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति। पार्टनरशिप हम कैसे बोलेंगे? पार्टनरशिप में बिजनेस जो हो रही है उसको हम पार्टनरशिप कैसे बोलेंगे? कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम दो, और मैक्सिमम की बात करें तो 50। मिनिमम दो, यानी मिनिमम टू पर्सन होना चाहिए, मिनिमम पर्सन टू होना चाहिए और मैक्सिमम 50 तक हो सकता है। ठीक है, तो जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं यानी उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स में क्या बताया गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी टू और मोर पर्संस, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एग्रीमेंट्स बिटवीन द पर्संस यानी साझेदारों या व्यक्तियों के बीच ठहराव होना चाहिए। ठहराव कहने का मतलब एग्रीमेंट। दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति मिलकर के आपस में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट करवाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एग्रीमेंट रहेगा तो फिर क्या होगा, आगे चल करके फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फिर एग्रीमेंट में जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से हम जो है क्लेम कर सकते हैं, यानी कानूनी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे मौखिक रूप में हो, यानी रिटेन रूप में हो या ऑरल रूप में हो। लेकिन ऑरल एग्रीमेंट यानी मौखिक और एग्रीमेंट का कोई प्रूफ नहीं रहता है, कुछ उससे हम अगर दिक्कत हो जाता है फ्यूचर में तो उसे हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कानून जो है ऑरल एग्रीमेंट को नहीं मानती है, लिखित जो रहता है लिखित एग्रीमेंट को कानून मानती है और उसे हम फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। कभी कोई दिक्कत हो तो फिर हम उस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, एग्रीमेंट का जो पेपर है उसके थ्रू क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट करवाना भी जरूरी है एक तरह से, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एग्रीमेंट करवा लेते हैं तो फिर क्या होगा, फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, स्वामी और एजेंट का संबंध। रिलेशनशिप
ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, कहने का मतलब जो है प्रिंसिपल यानी स्वामी मतलब बिजनेस का मालिक। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी पार्टनर्स जो है सभी पार्टनर्स बिजनेस का मालिक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल यानी स्वामी के रूप में, ठीक है। और एजेंट के रूप में अगर देखें तो कैसे, एजेंट के रूप में देखें तो हर पार्टनर एक दूसरे अपने पार्टनर को देखता है कि हम जैसे काम कर रहे हैं, हम जैसे कुछ कर रहे हैं, वैसे जो है हमारा और भी पार्टनर्स जो हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर एजेंट के रूप में जो है उसे बता सकता है, उसे सलाह दे सकता है, उसे बोल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वामी और एजेंट का जो है संबंध होता है, ठीक है। स्वामी यानी मालिक, बिजनेस का मालिक, और एजेंट मतलब दूसरों को बोलने का जो अथॉरिटी यानी अधिकार होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य, यानी व्यवसाय की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी एक किसी प्रकार का बिजनेस होना चाहिए। जहां बिजनेस नहीं हो रहा है वहां फिर पार्टनरशिप करने से क्या फायदा, ठीक है। तो किसी प्रकार का बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस में जो है मोटिव, मेन मोटिव क्या होना चाहिए, लाभ यानी प्रॉफिट को लेना, प्रॉफिट को अर्न करना। ऐसे तो किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर हो रहा है तो बिजनेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट लेना, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस का भी मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को अर्न करना यानी प्रॉफिट लेना, ठीक है। बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का उद्देश्य मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा या सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स हैं यानी जितने भी लोग पार्टनर्स हैं सभी लोग काम करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ पार्टनर काम कर सकते हैं, कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कैपिटल लगाते हैं, प्रॉफिट को लॉस को लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। जिस तरह से एग्रीमेंट में लिखा गया है, कोई पार्टनर एग्रीमेंट करवाते समय ही ऐसा अगर बोल देता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, केवल कैपिटल को लगाएंगे और प्रॉफिट लॉस को लेंगे, तो उसी तरह से जो है एग्रीमेंट में फिर लिखा जाएगा और उसी प्रकार से आगे का काम चलेगा, ठीक है। दोस्तों चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। शेयरिंग प्रॉफिट्स यानी लाभों का बंटवारा, जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में उस प्रॉफिट को कैसे बंटवारा किया जाता है, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट को बांटने का एक रेशियो होता है, प्रॉफिट को बांटने का रेशियो होता है और उस रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांटा जाता है। रेशियो कुछ भी हो सकता है, जैसा आप एग्रीमेंट में लिखे हैं, एग्रीमेंट करवाए हैं, उस अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट बांटने का रेशियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो रेशियो है उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट को बांटना चाहिए। प्रॉफिट को कोई एक पर्सन, कोई एक पार्टनर जो है पूरा पूरा नहीं ले सकता है, सभी पार्टनर्स के बीच में जो है प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की विशेषताएं, ठीक है। और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है। दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिसे जाकर आप देख लेंगे
तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे हम पीडीएफ फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद ना ही आपको किसी प्रकार का कोई बुक खरीदना पड़ेगा और ना ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी पीडीएफ फाइल नोट्स को लेने के बाद आप जो है घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।